आज आपके लेकर आए हैं अनोखी आइसक्रीम, वो भी कच्चा मैंगो बाइट से हम बनाएंगे जो टॉफी है। हम 20 और 22 टॉफी ले लें, उसके बाद इसका रेफर अच्छे से निकाल लें। यहाँ पे रेफर निकल चुका है, अब इसको हम थोड़े इसके टुकड़े करेंगे। एक क्लोथिन में या आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं करना है। इसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद पत्थर से इसे थोड़े टुकड़े कर दें। इस तरह से टुकड़े बारी बारी कर लें, इस तरह से थोड़ा बारी बारी कर लें। इसे एक बाटी में डाल दें अच्छे से। आप इसके लिए आप ग्राइंड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े इसके हो चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने यहाँ पे एक बॉल भी ले लिया है, अब इसमें एक या दो गिलास पानी डालेंगे और इससे गर्म करेंगे। इसमें दो गिलास पानी हमने डाल दिया है, अब इसे गर्म करेंगे। जब तक इसमें बबल ना आ जाए तब तक इसे गर्म करें। जब बल्ब आने लगे अब इसमें हम थोड़ी से चीनी ऐड करेंगे। चीनी इसलिए ऐड करेंगे कि इसमें चॉकलेट तो मीठा होता है, लेकिन इसमें पानी में डालने के बाद उसकी थोड़ी मीठापन कम हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसमें थोड़े थोड़े से नींबू ऐड करेंगे। नींबू इसलिए ऐड करेंगे कि पानी में चॉकलेट डालने से तो उसका खट्टापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे। कच्चे बाइट मैंगो चॉकलेट में अच्छे फ्लेवर होते हैं, तो इसमें ये सब डालने का तो ज़रूरत नहीं था, लेकिन मीठापन कम ना हो इसलिए हमने डाला है, ताकि हमारा आइसक्रीम और भी ज़्यादा अच्छे हो। अब हम इसमें वो जो बारी बारी किए थे चॉकलेट, अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट मैंगो बाइट इसमें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसे अच्छे से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है इसको। बहुत अच्छा इसमें कलर आएगा। इसमें कलर के लिए हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें कलर अपने आप आएगा और बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा। इसको थोड़ी देर अभी हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसमें थोड़े से भी कलर फूड ऐड नहीं किए हैं, ये काफ़ी ओरिजिनल है ये कलर इसका। इसको 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे, और इसको ज़्यादा ना पकाएं ना, वरना ये चिपचिपा टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे हो चुके हैं ये 3-3.5 मिनट हो गया। अब हम इसे बंद कर दिए हैं, अब इसे हम करेंगे ठंडा, अच्छे से इसको ठंडा कर लें। ये हमारा मैंगो बाइट जूस जो कुछ ही देर में आइसक्रीम में बदलेगा बनकर रेडी हो चुका है, और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसे आइसक्रीम में तब्दील करेंगे। हमने आइसक्रीम बनाने के लिए छोटे छोटे गिलास का यूज किया है। आप इस तरह से आप गिलास में रख सकते हैं, आप प्लास्टिक का कप में भी बना सकते हैं चाय पीने वाला में। हमने यहाँ पे गिलास का यूज किया है। अब हमने इसको अब इसे इसका ऊपर में आप फॉइल पेपर भी डाल सकते हैं। हमने कागज़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, क्योंकि फॉइल पेपर सिल्वर फॉइल पेपर नहीं था हमारे पास, तो इसके इस तरह से कागज़ को इस तरह से कर ले, और उसके बाद यहाँ पे हम रबड़ लगा देंगे इसमें। गाइस हमारा आइसक्रीम हो चुका है रेडी। अब हम इसमें लगाएंगे स्टिक, कुछ इस तरह से स्टिक आप लगा लें सब में, ये शॉर्टकट तरीका है।
इस तरह से स्टिक लगाकर आप रेडी कर लें। कुछ ही घंटों में बनेगा हमारा कच्चा मैंगो बाइट का आइसक्रीम, वो भी बहुत ही टेस्टी। आप भी बनाएं अपने घर पे। यहाँ पे स्टिक लग के हो चुका है, अब हम इसे डालेंगे फ्रीजर में। अब हम इसे डालेंगे, अब फ्रीजर में आप डाल दें इसको। फ्रीजर में डालने के 5 से 6 घंटा बाद आपका आइसक्रीम बनके हो जाएगा रेडी। ये हमारा हो गया है, इसे अब हम 5 घंटा 6 घंटा एकदम छोड़ देंगे। फाइनली 5-6 घंटा बीत चुका है, अब हम देखते हैं हमारा आइसक्रीम कैसा है। देखते हैं ओपन करके कैसा है, जमा है हमारा आइसक्रीम। ओहो, निकाल कर दिखाइए। देखने, ओ भाई क्या मस्त जमा है गाइस। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने आइसक्रीम बनाया और कितना अच्छा से जमा हुआ है। आप भी घर पे ट्राई करें, बच्चे के लिए बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने आज आपको बताया हमारे चैनल के जरिए कि चॉकलेट से आइसक्रीम कैसे बनाए। कैसा लगा आइसक्रीम? टेस्टी है, पसंद आया? तो बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना अंकल भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।